वो कुछ भी कह सकते हैं। हर घर तिरंगा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तिरंगा पहले भी था देश में, तिरंगा आज से हुआ क्या? उनके आने से हुआ है क्या? तिरंगा आज पैदा हुआ क्या उनके आने से? घर घर में आज पैदा हुआ क्या? घर घर में सब देश में उस समय पैदा था जब हमारा देश आजाद हुआ। सामने आप दिखा दीजिए कैमरा से, वो वहाँ सामने आप जूम करके दिखा दीजिए, सामने तिरंगा है जो कि रोड पे पड़ा हुआ है। जिस तिरंगे की मोदी जी बात कर रहे हैं, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, वो तिरंगा आज ऊपर ना लहराते हुए जमीन पर पड़ा है। ये बिल्कुल बिल्कुल रोड पे पैरों में आ रहा है, ये सम्मान है तिरंगे का। मोदी जी यही करना चाह रहे हैं ना, हर घर में ला करके। एक बार हमने गलती करी, मोदी जी को लाए, हम फिर बदल देंगे। हमारा मोदी जी को लाए, गलती करी। कांग्रेस ने तो खिड़की खोली थी, लेकिन मोदी जी ने दरवाजा खोल दिया। इनका दरवाजा खोल दिया, लूट रहे हैं। चार आदमी सरकार चला रहे हैं, दो खरीद रहे हैं, दो बेच रहे हैं, बस। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और सामने आप देख सकते हैं संकल्प सत्याग्रह। ये जो लगातार गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया था, उसी के तहत ये लोग यहाँ पर आज जुटे हैं और गांधी जी का देश जो है उसको, जिस तरीके से गांधी जी ने सत्याग्रह पर लाकर और अहिंसा के रास्ते पर चले थे, उसी सबके लिए यहाँ पर ये लोग जुटे हैं। तो सबसे पहले मैम, क्या नाम है आपका? जया वाधवानी। तो मैम, आप ये लिखा हुआ है आपके पोस्टर पे, हम देख सकते हैं संकल्प सत्याग्रह, तो ये क्यों सत्याग्रह की जरूरत है? मैम, सत्याग्रह की जरूरत तो है ही सही ना, क्योंकि आम जन में इतना उपविग्रह हो रहा है, तो इस वजह सत्याग्रह की जरूरत तो है ही सही। और गांधी जी शुरू से ही सत्याग्रह पे चलते आए हैं, तो हम तो आज भी और कल भी हमेशा ही सत्याग्रह का ही साथ देंगे और सत्याग्रह ही। सत्याग्रह क्या खत्म हो गया है मैम? अभी भी लोग सत्याग्रह पर चल रहे हैं, अहिंसा का रास्ता चुन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल अभी भी है। जी हाँ, अभी इसकी जरूरत क्या पड़ी? सर्व सेवा संघ का ये सेवा ग्राम वर्धा से, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम कोटा राजस्थान से। जी, ये संकल्प यात्रा का क्यों, मतलब सत्याग्रह का, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि सत्याग्रह और गांधी के रास्ते पे तो लोग चल ही रहे हैं और हमेशा से गांधी जी का तो जो उन्होंने कहा है उनके कहे रास्ते पर लोग चल रहे हैं। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? हाँ, चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सत्याग्रह इसलिए है, गांधी आश्रम पे मोदी सरकार अभी दावा ठोक रही है, तो उस चीज के लिए है। क्या चीज का दावा ठोक रही है मोदी सरकार? उसे वो अपने अंडर में लेना चाहते हैं, बस इसी का ही ये सत्याग्रह है और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। तो उसको अगर अंडर में ले लेंगे तो वो भी तो गांधी जी के देश में रहते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं मोदी जी। मैम, सत्य की बात तो वो करते हैं, लेकिन सिर्फ वो दिखावे के लिए करते हैं। आज तक उन्होंने जितने वादे किए, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। कितना वादा उन्होंने, 2 करोड़ जो है रोजगार देने की बात की, लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया, कॉरिडोर्स बनवा दिए, हाईवे बन रहे हैं। मैडम, मैम, कितने लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, प्राइवेट सेक्शन कर दिया, ठीक है, और बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि आज हर घर में 4 बंदे बेरोजगार बैठे हुए हैं। बेरोजगार बता रही है, मोदी जी कह रहे हैं सबको रोजगार मिल रहा है, हर घर तिरंगा हो, तिरंगा यात्रा निकल रही है। नहीं, वो चीज अच्छी है, तिरंगा हो, हम भी चाहते हैं तिरंगा हो हर, क्योंकि वो हमारा राष्ट्र का झंडा है, तो उसके लिए तो हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी हर घर में है। आप आम जन के घरों में जाकर के देखिए, आपको आज भी घर में बैठे हुए ही मिलेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने गवर्नमेंट जॉब हटा दी, उसको प्राइवेट सेक्शन कर दिया, अग्निपंथ का कर दिया 4 साल के लिए, बच्चों का 4 साल की ट्रेनिंग लेकर के बच्चे जॉब करेंगे और उसके बाद फ्री बैठेंगे, पढ़ाई खत्म, उनका फ्यूचर खत्म, उनकी लाइफ खत्म। अग्निपथ ला करके उन्होंने कहा है कि जो अग्निवीर बोला गया है उनको, अग्निवीर का नाम भी दिया गया है, तो उनको 4 साल बाद जो है भाजपा के कार्यालय में ही जो है उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाएगी। मैम, तो क्या सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड, जो बंदा सैनिक सेना से आ रहा है और वो सिक्योरिटी गार्ड बनेगा 4 साल के बाद, बाकी की तमाम उम्र वो सिक्योरिटी गार्ड बन के रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड की कितनी सैलरी होती है मैम? 6,500। क्या 6,500 रुपए में वो अपना परिवार व्यापन कर पाएगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ।
देखिए मोदी जी ने तो स्कीम निकाल दी, उसके तहत लोग जो है फॉर्म भी भर रहे हैं, भर रहे हैं ना, हाँ 10 लाख भरे भी जा चुके हैं। क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं है कि 4 साल हम जॉब करेंगे उसके बाद ना हमें कोई पेंशन मिलेगी ना हमारे हमें कोई वित्तीय भत्ता, क्योंकि जो वो मिलेगा वो भी उनकी तनख्वाह से काटा जाएगा, PF 5 लाख रुपए। अभी और भी लोग हैं, मैम आपके क्या नाम? मेरा तो ये कहना है कि हम जो सत्य अहिंसा के मार्ग पे जो चल रहे हैं, हम लोग गांधी विचारधारा के लोग हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि नागरिक अधिकारों का जो हमें नागरिक अधिकारों की बात करनी है, हमें सद्भावना की बात करनी है, हमें कौमी एकता की बात करनी है। हम चाहते हैं कि हम लोग इस माध्यम से संकल्प यात्रा के माध्यम से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, हम गांधी जी के मार्ग प्रश्न चिन्हों पर चलें और उसको चलते हुए ही हम अहिंसा के माध्यम से ही अपनी जीत हासिल करें। क्या अभी कौमी एकता नहीं है मैडम? अभी कौमी एकता को तोड़ा जा रहा है। कैसे? क्योंकि जैसे बात होती है कि मुसलमानों को हिंदू से लड़ा दो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, तो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम आज भी जिस मंच के माध्यम से काम करते हैं, संवर्ग सेवा संस्थान के माध्यम से काम करते हैं, सर्वोदय मंडल के माध्यम से काम करते हैं, वहाँ हम सारे जाति के लोग हैं और लेकिन हम एक रहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस माध्यम से एक मंच पे हम सब बैठे हैं, वैसे पूरे हिंदुस्तान में लोग एक मंच पर बैठे हैं, हम उनको एक मंच पे बिठाना चाहते हैं और बिना लड़ाई के लड़ाई जीतना चाहते हैं। मगर मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यानी सबको समान लेकर चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं एक मंच पे, एक मंच की तो बात वो भी कर रहे हैं। मैम मैं ये नहीं कहती कि वो एक मंच की बात नहीं करते, लेकिन जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो करना चाहिए वो होता नहीं है। हम चाहते हैं कि जो कहें वो हो। क्या करना चाहिए? सब लोगों को एक मंच पे लेना चाहिए, गरीब आदमी का सोचना चाहिए। भाई हम चाहते हैं किसानों को किसानों का हक मिले, गरीबों को गरीबों का हक मिले। आज हर घर में बेरोजगार बैठा है, नौजवानों को नौकरी मिले, डीजल पेट्रोल के दाम कम हो, रसोई गैस के दाम कम हो, ये करने के काम है। ये GST जो बढ़ाया गया है तो सरकार का कहना है कि भाई जो श्रीलंका जैसे हालात ना बने इसीलिए ये GST लगाया गया है, पहले से काम कर रहे हैं। ये जो खाद्य सामग्री पे जो GST लगाया गया है, इससे हालात, उनका कहना है माननीय श्रीमान मोदी साहब का कि ये हालात श्रीलंका जैसे ना बने, लेकिन खाद्य सामग्री पे GST लगने के बाद हालात और बद से बदतर बन जाएंगे। क्या बच्चे के दूध पे GST लगी है? जब हम चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं खरीद पा रहे, आम जनता गैस के लिए परेशान है, अब वो खाद्य सामग्री के लिए भी परेशान होगी। क्या चाहते हैं? कहाँ है परेशान जनता? हिंदू राष्ट्र बन चुका है सर, क्यों बना क्यों नहीं बना है? हिंदू राष्ट्र खुश है हिंदू राष्ट्र बनने पर? नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? बनने से क्या होगा? हम तो सब पूरे समाज को साथ लेके चलते हैं, पूरे कौमी एकता का काम करते हैं और गांधी के विचार पे चल रहे हैं, जो गांधी ने इस देश को आज़ादी में लाने में सबका सहयोग लिया। अब आज की स्थिति क्यों पैदा हुई, हमें सत्याग्रह पे क्यों आना पड़ा? क्यों आना पड़ा? आपको पता है ना हम क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि देश में जो हालात पैदा हो रहे हैं वो कभी नहीं थे और आने वाले समय में जो हालात अंग्रेजों के ज़माने में था वो आज इस ज़माने में वापस आने वाला है। तो हट गर्मी, इंडिया बन रहा है, हट गर्मी का इंडिया बन रहा है, न्यू इंडिया बन रहा है, मोदी जी कह रहे हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, हर घर तिरंगा, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तिरंगा पहले भी था देश में, तिरंगा आज से हुआ क्या? उनके आने से हुआ है क्या? देखिए आप अभी हर रोड पे देखेंगे, आप जो पूछ रहे हो का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं कि देश में तिरंगा आज पैदा हुआ क्या उनके आने से? घर घर में आज पैदा हुआ क्या? घर घर में सब देश में उस समय पैदा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। जब से आज तक तिरंगा चल रहा है, तिरंगा मान कौन कर रहा है? किसानों ने जो
इतने दिन वो काम तिरंगा रैली क्यों निकाली जा रही है अगर लोगों के दिल में तिरंगा पहले से? तिरंगा रैली तो खुशी के लिए पूछती हो, ये तो मोदी जी से, मोदी जी की रैली में आप जैसे लोग ही शामिल हो। नहीं तो आप मोदी जी से पूछो ये प्रश्न, हमसे कैसे पूछे? हाँ ये मोदी जी से पूछिए, मोदी जी बहुत काम करते हैं। मोदी जी ने आज दिन तक एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, आप मोदी जी से पूछिए इस तरह के प्रश्न, हमसे मत पूछिए। मोदी जी बहुत काम करते, बिजी रहते हैं। हाँ इसीलिए वो कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ये कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं इसीलिए। घर घर तिरंगा लग तो रहा है अब, उन वो लगवा रहे हैं, लोग भूल चुके थे। बहुत अच्छी बात है, उनको अकल आई 75 साल के बाद, उनको अकल आई कि तिरंगा आवश्यक है, हम उनका स्वागत करते हैं इसके। आप हर रोड पे देखिए तिरंगा तिरंगा लहरा रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं इसका। वो बड़ा तिरंगा तो पहले ही दिखा दिए वो तिरंगे की, वो देखो ये हालत है सामने, आप दिखा दीजिए कैमरा से, वो वहाँ सामने आप जूम करके दिखा दीजिए, सामने तिरंगा है जो कि रोड पे पड़ा हुआ है, जिस तिरंगे की मोदी जी बात कर रहे हैं, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, वो तिरंगा आज ऊपर ना लहराते हुए जमीन पर पड़ा है। अब अभी तिरंगे पे ही जो है अभी हम सवाल कर रहे थे, तो तिरंगे की हकीकत आपने दिखा दी, अपमान ही है फिर तिरंगे का अपमान हो गया है, तिरंगा यहाँ पर क्या बात है, तिरंगा सम्मान है, सम्मान है ये, बिल्कुल बिल्कुल रोड पे पैरों में आ रहा है, ये सम्मान है तिरंगे का, मोदी जी यही करना चाह रहे हैं ना हर घर में ला करके। मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हैं? मोदी जी का क्या दोष भाई, हम गा रहे हैं 2 करोड़ के रोजगार को मिला है जो मोदी जी का काम को, तो ये जो मोदी जी से हम बात बताइए जो प्यार से है ना, जो फिर एक बार इस देश की दशा बदलना चाहते हैं, और इसके लिए हमने संकल्प यात्रा का आगाज किया, फिर से दशा बदलना चाहते हैं। क्या दशा बदल चुकी है? क्या बदल गई ना, आज इतनी नफरत हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई, 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं, खाने का नहीं है लोगों के पास, राशन मिल तो रहा है लोगों को खाने, तो इसीलिए गरीबी की वजह से 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं ना, तो रोजगार कहाँ है, इसीलिए तो दे रहे हैं, तो रोजगार सृजन कहाँ किया इन्होंने, उनसे पूछो आप, हमसे क्यों पूछते हो ये बात, आपसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे तो ये देश की जनता है आप, हम देश की जनता है, हम फिर एक बार इस देश में प्यार की गंगा बहाना चाहते हैं, क्योंकि वो गंगा का बेटा बुलाया था, लेकिन वो उसको गंगा को साफ, कैसे कैसे मिशन चलाए है, नमामि गंगे, गंगे को पूरा जो है देखिए पवित्र कर दिया, उस गंगा को अमृत महोत्सव में उनको साफ करना था, वो नहीं हुआ, आप उनसे पूछिए कि मोदी जी गंगा साफ क्यों नहीं हुई, आपको तो बुलाया इसीलिए था ना कि गंगा में साफ कर दूंगा, फिर क्यों नहीं हुई, उनसे पूछिए आप, हमसे क्यों पूछते हो, ये तो उनका प्रोजेक्ट है, उनसे कॉन्फ्रेंस कीजिए, हमसे क्यों, हम तो इस देश में किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, महिलाओं को अच्छा रोजगार मिले, अच्छा उनके सुख सुविधाएं हो, हमारा देश एक सदाबहार देश है, सुविधाएं नहीं मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है, इसीलिए तो जनता सड़क पे है, इसीलिए जनता सड़क पे है, लोग युवा खुश है, हिंदू राष्ट्र बन चुका है, युवा अगर खुश होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती, आज केवल डिवाइड करो और देश पे राज करो, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि एक बार हम फिर, हमने गलती करी, मोदी जी को लाए, हम फिर बदल देंगे, हमारा मोदी जी को लाए, गलती करी क्योंकि पहले कांग्रेस को इतने वर्षों तक राज किया, मोदी जी को ले आए, मोदी जी ने फिर वही काम किया, जो मोदी जी ये कहते थे कि मैं FDI 49% में राजी नहीं हूँ, वो 100% FDI ले, कांग्रेस की नीतियों को मोदी जी ने लागू किया, सारी कांग्रेस की सारी नीतियों को मोदी जी ने लागू किया, कांग्रेस की सारी नीतियों को मोदी जी ने किया। हाँ आप देखो, इतिहास उठा के देखो, आपको पता लग जाएगा, कांग्रेस ने तो खिड़की खोली थी, लेकिन मोदी जी ने दरवाजा खोल दिया, इनका कहना दरवाजा खोल दिया, तो बस दरवाजा खोल दिया आपके लिए, लूटो ये लूटो, मैं भी लूटू, तुम भी लूटो, लूट रहे, 4 आदमी सरकार चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, बस खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, गुजरात के हैं आपस में,
मैं तो अभी ये बताइए कि नहीं आए अभी 15-15 लाख है दो ट्रेन के मेरे चार आदमी कौन है बता दीजिए आज देश को बता दीजिए वो दुनिया जानती है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है वो चार आदमी आप तो सकारात्मक प्रश्न करिए हम सकारात्मक प्रश्न के लिए तैयार हैं यहाँ पे 20 लाख स्टूडेंट पीएमटी की परीक्षा देते हैं उसमें सिर्फ 16,000 से 20,000 के बीच में बच्चे उसमें क्लियर होते हैं 19,80,000 बच्चों का भविष्य क्या होगा आप बताइए मोदी जी से पूछिए हमसे काहे को पूछते हो आप लोग रोडों पे क्यों हैं फिर मोदी जी हम इसीलिए हैं कि हमने जो गलतियां करी ना मोदी जी मैंने बताया मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं ऐसा है आदमी कितने भी घंटे काम करो उससे फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता है इससे कि मैंने मेरा विजन क्या है मेरी प्राथमिकताएं क्या है मैं किस तरह से इस देश को मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ -30 की डिग्री में रूस वहाँ संपन्न देश है अच्छा सब छोड़िए ये बताइए मेरी बात सुनो पहले और हमारा सदाबहार देश है जिसमें झोपड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है और हम यहाँ पे है ना जो गरीब है हमारा रुपया नीचे गिरता जा रहा है 2013 में मोदी जी ने कहा था कि भारत सरकार बताए रुपया क्यों गिरा और अब मोदी जी बताए उनके राज में तो सबसे ज्यादा गिरा तो पूछो उनसे आप जाकर के उनसे पूछो मोदी जी तो आप देखिए मंचों पे आके बहुत अच्छे हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री है हमने गलती कर दी ना हम बदल देंगे सीधी बात है बदल देंगे कैसे बदलेंगे हर जगह तो जीत उन्हीं की ये तो समय हर जगह पार्टी जीत रही है कैसे ये समय बताएगा ये मीडिया से हम इस बारे में है ना जो इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते समय बताएगा जनता बता देगी अच्छा, सत्याग्रह का बता दीजिए क्या मोदी जी गांधी जी की बातों से सहमति नहीं रखते अरे वो तो आंदोलनजीवी कहते हैं लोगों को अच्छा। आंदोलनजीवी कहा उन्होंने संसद में अच्छा। और आजादी आंदोलन से ही मिली है उन्होंने गलती करके है ना जो अपने कानून वापस ले लिए उसको उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था शर्म होती तो दे देना चाहिए था। हाँ कोई आदमी गलती करता है ना तो शर्म आनी चाहिए पहले कानून हमने किसानों ने नहीं मांगे थे कि आप हमारे लिए तीनों काले कानून लाओ बाहर से कानून ले आए जनता पे लाद दिए किसान फिर जब आंदोलन हुआ तो 13 महीने तक तो यही कहते रहे ये तो आतंकवादी है ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है ये कोई किसान नहीं है तो हम फिर जब उनको अकल आ गई कि अब यूपी में चुनाव है तो लोगों के कानून वापस ले लिए फिर हमने तब भी आंदोलन वापस नहीं लिया उन्होंने संसद में उसको पास किया किसान नेता है तो आ जाइए सर किसान नेता है तो हमारे साथ किसान नेता बता रहे हैं लोग तो सर क्या नाम है आपका अब्दुल हमीद गोड़ हाँ जी अब्दुल हमीद गोड़ जी अब्दुल जी ये बताइए तो किसान नेता है काले कानून की बात कर रहे हैं तो अब मोदी जी ने मान तो लिया उनको MSP मिल रही है सब कुछ हो रहा है किसानों के लिए MSP के ऊपर जो उन्होंने बनाई थी ना वो उसमें कहीं जिक्र नहीं है और जब जब भी ये आंदोलन हुआ और जब जब भी सरकार ने पलटने लगी आंदोलन अन्ना ने भी किया था लोकपाल बिल लाने के लिए और लोकपाल बिल आज तक वापस पास नहीं हुआ इसलिए ये तो गवर्नमेंट का वो है तो सर ये अब जो सत्याग्रह की जरूरत पड़ी क्यों जरूरत पड़ी सत्याग्रह की जरूरत इसलिए पड़ी नवयुग किसान गरीब मजदूर और इस महंगाई की तराई तराई और दमनकारी सरकार दमनकारी होती है बिल्कुल दमनकारी होती है जो आपस में लड़वाती सरकार का काम होता है प्यार से रहना लोगों को प्यार बांटना ये गांधी का देश है गांधी को पूरी दुनिया मानती है तो मोदी जी प्यार नहीं बांट रहे नहीं प्यार ये तो आप बताओ नहीं प्यार बांट रहे मोदी जी आपने कहा कि सरकार का काम होता है प्यार एक मिनट यूपी अभी हमारे यूपी निमटा 400 वहाँ पे विधायक हैं
एक मियाँ को टिकट मिला गया प्यार काम ऑर्डर माइनॉरिटी को एक टिकट दिया गया आप बोलो दिया नहीं मिला फिर प्यार कहाँ प्यार सबको साथ लेके चल रहे हैं साथ लेके चलते टिकट मिलता टिकट मिलता वहाँ से विनाश हो रहा है नहीं विनाश सरकारें तो विनाश करे या विकास करे सरकार कोई भी हो विनाश करे या विकास करे महंगाई जीएसटी दूध चावल दही जो खाने की चीजें हैं उन पे जीएसटी राशन तो मिल रहा है फ्री लोगों को राशन दिया जा रहा है नहीं 5 किलो नहीं राशन कितना दे देंगे जब तक हम जनता को स्वावलंबी नहीं बनाएंगे जनता को हम शिक्षा में आत्मनिर्भर बना तो दिया आत्मनिर्भर तो हमारी जीडीपी कहाँ है हमारा रुपया कहाँ है हमारा रुपया कहाँ है 2014 में 39 एक डॉलर 39 आज 80 रुपये मिल रहा तो इसलिए स्वाभिमानी मोदी जी को चाहिए सभी को साथ लेके चले साथ लेके नहीं चल रहे हिंदुस्तान है जय जगत जय राम जी की राधे राधे सलाम वालेकुम सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग जय हिंद सबके नाम गिना दिया जय हिंद चलिए तो अभी इन लोगों से हमने बात की और लगातार जिस तरीके से ये सत्याग्रह की बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से जो है गांधी के रास्ते पर ये देश चलना चाहिए एक बार फिर से लोगों को सत्याग्रह करना चाहिए तो उसी के लिए यहाँ संकल्प सत्याग्रह का आह्वान किया जा रहा है लगातार जो है गांधी जी के देश को फिर से याद किया जा रहा है गांधी जी की राह पर चलने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है लगातार इस तरीके की ये बातें कह रहे हैं जिस तरीके से सरकार सत्ता में आकर लोगों के हक अधिकारों को भूल गई लोगों को भूल गई या जनता के जो भी अधिकार थे और उनके जीने का और खाने का अधिकार था तो वो सब छीन लिया गया महंगाई बढ़ा कर दी गई लगातार ऐसे ही मुद्दों को लेकर यहाँ पर एक संकल्प सत्याग्रह का जो है आह्वान किया जा रहा है लगातार तो आप सामने देख सकते हैं इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा जंतर मंतर दिल्ली।